चंबा के पक्काटाला में पहाड़ी के साथ हो रहे भूस्खलन की समस्या को लेकर मोहल्ला के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों का कहना है कि पिछले उपायुक्त के कार्यकाल में इस क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या को लेकर राशि जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर भूस्खलन को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जिस मुद्दे से छोटे सा एक रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, जो कि वर्षों से इस मुद्दे पे हम हर जितने भी आज से पहले 4-5 जिस मुद्दे आए उनको भी दिया हुआ है, और आज म्यूनसिपल कमेटी ने वहाँ पे हमारे मोहल्ला में काम लगाया हुआ है, और जिसके साथ कि हमारा मोहल्ला पूरा ही खतरे में बढ़ गया है, क्योंकि उसके साथ जहाँ पे इन्होंने काम लगाया उसके साथ ही कुछ और भी घर हैं जिनको कि पत्थर गिरने की वजह से वो बड़ी बड़ी टोलें थी वो निकल गई, खिसक गई, और उसके साथ बाकी घरों को भी उसकी धमक पड़ी है। और अभी बारिशें भी चालू होने वाली हैं, उससे जितना भी मोहल्ला है वो सारा गिर सकता है। हम डीसी महोदय से यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इसके लिए हमें बजट दिया जाए, क्योंकि बजट तो हमें पता है कि बजट मंजूर भी हुआ है। श्री डीसी महोदय श्री मोक्टा जी ने 10 करोड़ रुपए जो है इसके लिए सेंक्शन किए थे, वो पीडब्ल्यूडी को भी दे दिए गए, लेकिन आज दिन तक ये पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, और कोई उसकी तहकीकात नहीं है। मैं जो अभी नए डीसी महोदय आए उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुद्दे को जो है वो पता किया जाए कि पैसा कहाँ है, और जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले को बचाने के लिए कंक्रीटिंग के जो डंगे लगने थे वो लगाए जाए, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।